नमस्कार मित्रों, राम नवमी के उपलक्ष्य में कुछ बातें कहना चाहता हूं। मित्रों, चैत्र नवरात्रि का पर्व इन दिनों देश में चल रहा है, उपासना साधना का क्रम चल रहा है। हमारे देश में नया वर्ष का आगमन चैत्र नवरात्रि प्रतिपदा को होता है और हम सब साधनात्मक तरीके से राम नवमी का पर्व मनाते हैं। मित्रों, चैत्र नवरात्रि के अंतिम दिन, जिसे हम राम नवमी के नाम से जानते हैं, मालूम है आप सबको, इसी दिन भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का अवतरण इस धरती पर हुआ था। वे विशेष काम करने के लिए इस धरती पर आए थे। भगवान जब कभी भी अवतारी सत्ता के रूप में जन्म लेते हैं, तब वे मर्यादाओं में रहकर काम करते हैं। असुरता को समाप्त करने के लिए भगवान स्तर के महापुरुषों का जन्म होता है। मित्रों, भगवान रामचंद्र जी उन्हीं में से थे। बहुत काम किया अपने जमाने में, एक जमाना को ही बदल दिया, राक्षस विहीन कर दिया धरती को। वे कौन थे? भगवान रामचंद्र जी थे। किन किन ने समय को पहचाना और समय की मांग के अनुरूप अपने को समर्पित किया? हनुमान जी की मूर्तियां आपने देखी हैं। उन हनुमान जी ने समय की मांग को देखा तथा राम के कार्य के लिए समर्पित हो गए। जामवंत ने कहा, राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भये पर्वताकारा। इसका नतीजा यह हुआ कि हनुमान जी जो एक बंदर थे, और उन्होंने जब संकल्प कर लिया कि राम काज किन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम, तब वे भगवान हो गए। सारे जगहों में आज उन्हीं की पूजा होती है, हनुमान जी की। उन्होंने सीता का पता लगाया, लंका दहन किया, समुद्र को लांग गए, पर्वत को उखाड़ लाए तथा संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। मित्रों, हम सबको हनुमान जी बनना है। यह सारे कठिन एवं असंभव कार्य वे कैसे कर पाए? यह सभी कार्य केवल भगवान को समर्पण करने के कारण ही वे कर पाए। अन्यथा किसी भी हालत में एड़ी चोटी एक करने के बाद भी नहीं कर पाते। मित्रों, हम भगवान रामचंद्र जी को आज भी नहीं पहचान पाए। राम नवमी का पर्व 14 अप्रैल को पड़ रहा है और हम इसलिए आपको याद दिला रहे हैं कि आप सब हनुमान जी बनिए, समय को पहचानिए। समय सभी के पास है, बहाना मत कीजिए। हाँ, और मित्रों, कोई कोई व्यक्ति हैं जो ठीक मौके को कोई कोई समझ पाते हैं, कोई कोई देख पाते हैं। उस मौके को जो देख लेते हैं, समझ लेते हैं, उसका ठीक उपयोग कर लेते हैं, वे ही मजे में रहते हैं। और मित्रों, रेलगाड़ी टाइम पर आती है, आप टाइम पर प्लेटफार्म पर पहुंचे तो उसमें सवार हो सकते हैं, और अगर समय चूक जाते हैं तो 24 घंटे तक इंतजार कीजिए। मित्रों, जिंदगी में बहुत से ऐसे मौके आते हैं, जैसे आपके पड़ोस में किसी की मृत्यु हो गई है और वहां से बुलावा आया है कि हमारे घर में कमी हो गई है, जरा शमशान घाट तक चलिए। आपने कहा, नहीं साहब, अभी समय नहीं है, परसों देखा जाएगा, परसों आएंगे। फिर वह व्यक्ति जिंदगी भर ख्याल रखेगा कि हमारे घर में हमारी माता जी की मृत्यु हुई थी और ये व्यक्ति नहीं आया था, ये नहीं आया है। जिंदगी भर यह कलंक आपके साथ लगेगा ही। मित्रों, समय का बड़ा महत्व है, समय की कीमत है। समय पर सही काम कर लेना मनुष्य की सबसे बड़ी बुद्धिमानी और सबसे बड़ी खुशहाली है। और मित्रों, आपके लिए भी यह समय खास समय, राम नवमी के खास अवसर पर आपको हम याद दिलाना चाहते हैं कि इस समय को अगर आप पहचान लें और उसका ठीक उपयोग कर लें, तो समझिए आप बड़े भाग्यवान निकले और आपने अपने जीवन को सार्थक कर लिया। मित्रों,
और आप सभी को यह मालूम होना चाहिए कि हनुमान जी की तरह अर्जुन की भी ऐसी ही कहानी है। भगवान रामचंद्र जी को जिस प्रकार से हनुमान जी पहचान पाए, उसी तरह गीता में अर्जुन यह कहता था कि मैं भीख मांगकर खा लूंगा और अपना गुजारा कर लूंगा, मुझे क्या अधिकार मिलने से, राज्य मिलने से क्या करना है मुझे। लेकिन भगवान ने कहा, नहीं, हमको आवश्यकता है अर्जुन तुम्हारी। तुम्हें आवश्यकता नहीं है तो ना सही, तुम तो दुकान खोलकर भी अपना गुजारा कर लोगे, पर हम कैसे गुजारा कर लेंगे। हमें तो भारत को महाभारत बनाना है, छोटे से भारत को विशाल भारत बनाना है, उसमें तुम्हारी जरूरत है। अर्जुन पहले तो आनाकानी करते रहे, पीछे विवेक बुद्धि जागृत होने पर उन्होंने कहा, करिष्ये वचनम तव, आपका कहना मानूंगा भगवान, आपके आदेशानुसार चल। बस यही घटना आप सबके जीवन की भी है मित्रों। समय को पहचान लीजिए। अर्जुन ने समय को पहचाना, भगवान कृष्ण के काम के लिए आगे बढ़े। भगवान रामचंद्र जी की जयंती राम नवमी का पर्व आ रहा है। आप भगवान रामचंद्र जी की पुकार को समझिए। आज समाज में इतनी विषमता, इतनी खाइयां, इतने अनीति, भ्रष्टाचार, कन्या भ्रूण हत्या, कुरीति, अंधविश्वास, आतंकवाद, रावण का उन्होंने अंत किया था। महाअभिमानी रावण, जिसे महापंडित कहा जाता है। अरे आज देश में नक्सलवाद, आतंकवाद, माओवाद और पूरा संसार आज खतरे में। ऐसे समय पर आप सोए रहेंगे, केवल राम 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 कहते रहेंगे, केवल राम नाम का माला जपते बैठे रहेंगे। नहीं मित्रों, आप सभी को उठ खड़ा होना चाहिए। श्री राम वीडियो फिल्म से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारी न्यू वीडियो को सबसे पहले आप देख सकें। श्री राम कथा, भागवत कथा, धार्मिक कार्यक्रम, वीडियो संबंधित जानकारी एवं स्पेशल वीडियो विज्ञापन बनवाने के लिए संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 9258369441। हमारा एक और मोबाइल नंबर है 9589573441 पर। धन्यवाद।